ब्यूटीफुल प्यारी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होंगी, ढेर सारा प्यार आप सभी को मिल रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू। एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर देन सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। एंड लव यू, थैंक यू। ओके, सो आज का टॉपिक है सिंगल्स के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, ये सजेस्ट किया किसी ने और इसके बारे में और भी बहुत लोगों ने मुझे बोला पर्सनल मैसेज करके भी कि मैम सिंगल्स के लिए कर दो, तो या आपके सामने है आज ये रीडिंग। सो या यू हैव टू पाइल्स, पाइल नंबर वन टू ऑफ कप्स, पाइल नंबर टू द सन कार्ड। ओके, अगर आपको फर्स्ट पाइल चूज़ करना है तो पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ कर लीजिए, अगर आपको सेकंड पाइल अट्रैक्ट कर रहा है देन चूज सेकंड पाइल। ओके, मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। आई होप कि आपने चूज़ कर लिया, वो दोनों ही बहुत प्यारे कार्ड है, बहुत ज़्यादा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग, पाइल नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेलो पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी टू ऑफ कप्स को चूज़ किया है, सो अगर यहाँ पे आप लड़के हैं या लड़के हैं, ठीक है, जो भी देख रहे हैं व्यूवर्स, आपको है ना, ये मैटर नहीं करता कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। ठीक है, ऐसा आप बिलीव करते हो कि सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत बेशक थोड़ी अच्छी ना भी हो, ठीक है, लेकिन सीरत अच्छी हो बंदे की या बंदे की, जो आपकी लाइफ में रेनबो ला दे, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ ला दे, ऐसा पर्सन हो। ठीक है, एक ऐसा पर्सन हो जो अगर आप उसे बोलो भी ना कि जाओ यहाँ से कुछ टाइम के लिए, गुस्से में बोल भी दो फिर भी ना जाए, ऐसा पर्सन। सो या सिंगल्स, आप किसी ऐसे पर्सन की तलाश में हो जो जो आपके लिए, वो कहते हैं ना, देखो मुझे एक सॉन्ग याद आया, पता है क्या, तू रंग शरबतों, पता नहीं मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। सो आप है ना ऐसा कोई पर्सन चाहते हो जो आपकी लाइफ को शरबती कर दे, मैं क्या ही बोले जा रही हूँ, लेकिन हाँ आपकी लाइफ में मिठास घोल दे कोई ऐसा पर्सन। ठीक है, सो आपको मैटर नहीं करता कि सामने वाला पर्सन किस कास्ट से है, किस कल्चर से है, रिलीजन से है, बट आपको मैटर क्या करता है कि सामने वाला आपसे प्यार करता है कि नहीं करता। ठीक है, प्लीज एंजल्स मुझे बताएं, जिन्होंने भी जो भी मेरे पाइल नंबर वन के व्यूअर्स है उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ कौन आ रहा है सिंगल्स की लाइफ में। मैं यहाँ पे है ना एक सन की एनर्जी देख पा रही हूँ, अगर आपको दिख रहे हैं तो फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे एक सन की एनर्जी है। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई उजाला करने आ रहा है, रोशनी करने आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं सिंगल्स, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, वाओ, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पूछूं कुछ आपसे, क्या बात है, कोई ऐसी रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन किया है क्या, जहाँ पे आपने सब कुछ दिया सामने वाले को लेकिन सामने वाला ऐसे टाटा बाय बाय बोल के चला गया कि नहीं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके यूनिवर्स, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू माय फैमिली, थैंक यू। ओके,
रुको मैं दूसरे डेक से भी निकाल देती हूँ। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है डियर कि आपकी फैमिली में या फिर सॉरी आपकी फैमिली में नहीं या आपकी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि अच्छा इन्वायरमेंट आपको ना मिला हो कभी, या फिर ऐसा भी हो सकता है नॉट फॉर एवरीवन बट इट कुड बी स्पेसिफिक कि आपके पेरेंट्स ना हो, यू आर सिंगल, आई मीन वैसे फैमिली मेंबर ना हो आपका कोई, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, ये किसी स्पेसिफिक से मैच करेगा। ठीक है, ओके वेट, मैंने बोला ही नहीं था क्या बोलना है। ठीक है, सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप है ना हमेशा है ना एक प्यार की तलाश करते हैं, एक ऐसा प्यार जो आपको खुशियाँ दे सके, जो आपका जो अकेलापन है ना उसे दूर कर सके। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं, पाइल नंबर वन के जो सिंगल्स हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कौन आ रहा है लाइफ में, प्लीज़ टेल मी। हाँ प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़। शून्य, थैंक यू एंजल्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, द मून कार्ड, ओके, फॉर ऑफ सॉट्स एंड हैंगमैन, ओके, थ्री ऑफ सॉट्स एंड द लवर्स कार्ड इज, मैंने सन कार्ड भी दिखाई थी, आई डोंट नो कौन सा कार्ड था। अब मेरी बात सुनो, आपका है ना पास्ट लाइफ भी निकल के आ गया। देखो टैरो की यही एक खासियत होती है, आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की संभावनाएं बता देता है। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो बच्चा, मेरी बात गौर से सुनो। पता है आपके साथ क्या हुआ, आपने ना किसी पर्सन को इतना दिया, टू ऑफ कप्स कार्ड के नीचे आया है टेन ऑफ ऊपर आया है टेन ऑफ सॉट्स। ठीक है, आपने किसी पर्सन को इतना ज़्यादा दिया, इतना किया उस सामने वाले पर्सन का, इतना ज़्यादा उसको दिया टेन ऑफ सॉट्स की एनर्जी है कि सामने वाले पर्सन ने ना आपको ग्रांटेड ले लिया एकदम से, मतलब फालतू समझ लिया। ठीक है, और उसने आपको चीट किया, आप उस चीज़ से निकले बहुत बहुत क्या कहते हैं हिम्मत के साथ, आपने वहाँ से मूव ऑन किया, बहुत हिम्मत के साथ आप वहाँ से मूव ऑन कर पाए। ठीक है, और आपने खुद को एक एम्परर की एनर्जी में लेके आए आप यहाँ पे। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अब बात करें कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, सो आपकी लाइफ में ना हमेशा आपको चीट किया गया है लव के वाइज, लव वगैरह के तरीके से, आपके आपके दिल को हर बार ब्रेक किया गया है, आपके दिल को हमेशा तोड़ा गया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हमेशा आपके जो अपने आप जिन्हें समझते थे उन्हीं ने आपको चीट किया है। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनिए कि आप ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है जो आपसे प्यार करता है, आप है ना आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मे बी आपके वर्क के प्लेस से, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो, या फिर अगर आपका कुछ खुद का बिजनेस है, सो कोई पर्सन ऐसा ज़रूर है जो आपको प्यार करता है, जो आपको लाइक करता है। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि कोई पर्सन होगा ज़रूर जो आपसे प्यार करेगा, और ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं होगा जो पास्ट में आपने सहन किया है वो वापस रिपीट नहीं होगा, वो वापस रिपीट नहीं होगा, जो दिल आपका टूटा है वो वापस नहीं टूटेगा। ये कोई डिवाइनली कनेक्शन आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा कनेक्शन आने वाला है जो बेहद ही प्यारा रहेगा, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग होंगी इस रिलेशनशिप को। ठीक है, लेकिन एंजल्स आपसे क्या चाहते हैं, क्या चाहती है कि बस आप अपने आप पे काम करें। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ देन प्लीज़ वर्क करें, करते रहें। अगर आप जो है कैंडल्स वगैरह बनाने की कंपनी हो, या फिर कॉइन वगैरह बनाने की कोई कंपनी हो, परफ्यूम वगैरह से रिलेटेड हो, या फिर अगर आप आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं, पेंटर हैं, या फिर कुछ तो आर्टिस्टिक है आप में, कलर वगैरह अगर आप बनाते हैं, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आप में एक सबसे अलग है, या आप एक मॉडल भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप मॉडल नहीं है तो आपका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, घर से कोई बिजनेस हो, खाने वगैरह का कोई बिजनेस हो, आई डोंट नो। लेकिन यस, यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आपको एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, या फिर स्टडी वगैरह आप करते हो तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं आप उस काम पे आपने करते रहें, वर्क करते रहें उस पे। और रही बात आपके लव लाइफ की, सो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो
आपको प्यार करेगा, उतना प्यार करेगा जितना आपने सामने वाले से कभी किया था, कोई पर्सन था उससे किया था आपने कभी, ऐसा पर्सन आने वाला है। एंड यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, सो उसकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया ना कि हाँ दैट आई लव यू, तो वो ऐसे पर्सन नहीं होंगे कि एक दफ़ा कुछ बोला, दूसरी दफ़ा उन्होंने कुछ बोल दिया। नहीं, ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हो, ठीक है, लेकिन आपको इनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता हो। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके आपके लिए ड्रीम्स देखते हैं बहुत जल्द। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो आपको लाइक करता है, आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए इनसिक्योर है थोड़ा सा, अगर आपके वर्क प्लेस से ऐसा कोई पर्सन है, दैट्स मीन दे लव्स यू। उन्होंने अपने हाथों में वो रिंग डालते होंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे रिंग फिंगर में, जो हमारी ये होते हैं ना रिंग फिंगर, इसमें रिंग पहन रखी है उन्होंने, मैंने कई कार्ड्स में देख लिया ये चीज़, ठीक है। सो मैं बेसिकली आपको क्या कहना चाहूँगी कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आप जानते हो, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सो यार मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो ये पर्सन होंगे ना, ये अगर ऐसा कोई पर्सन है आपके अराउंड में डियर, जो आपकी केयर करता है, जिससे आप बात करते हो, या फिर आपके लिए इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, आपके लिए प्रोटेक्टिव है बहुत ज़्यादा, एम्परर फादर वाली एनर्जी है उसकी कि हाँ आप यहाँ पे मत जाओ, ये बंदा या बंदी आपके लिए अच्छी नहीं है, ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, यहाँ पे ये जिससे आप बात कर रहे हो ये बहुत गंदा है, बहुत अच्छा नहीं है, आप इससे दूर रहें, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि हम आप है ना थोड़ा सा ख्याल रखा कीजिए अपना, ये टाइम से ये कीजिए वो कीजिए, तो ऐसी मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव हो सकता है। इनके हाथ में रेड लाल धागा हो सकता है, ठीक है, लाल धागा हो सकता है, क्योंकि मुझे वो चीज़ दिखी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको, लेकिन ये आपके लिए इनसिक्योर बहुत रहेंगे पर्सन, कि आप इनसे गुम ना हो जाओ, आप इन्हें आप खो ना जाओ इनके हाथों से, ठीक है। और इनकी जो परफ्यूम की स्मेल होगी ना वो बहुत बढ़िया होगी भाई, इनकी चॉइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपका फाइनेंशियली हमेशा स्ट्रगल में रहे ना, तो ये फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे आपके सामने वाली पर्सन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लड़के हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लड़की होगी ना बहुत स्टेबल होने वाली है, सो वर्क ऑन योर सेल्फ, हाँ अपने आप पे वर्क करने लग जाइए अभी। सो या एट ऑफ कप्स आपके है ना, हमेशा ये रहा है, हमेशा आपको चीट किया गया है, हमेशा आपको धोखे दिए गए हैं। यहाँ पे ये देखो ये कार्ड्स, ठीक है। और आप हमेशा अपने आप को दोष देते कि गलती तो मेरी ही थी ना, हाँ बब्बा गलती आपकी थी जो आपने ट्रस्ट किया। अब ट्रस्ट नहीं करना है किसी ऐसे वैसे पे, अगर सामने वाला एफर्ट्स डाल रहा है, ये नहीं है कि सामने वाले ने दो दिन में मुलाकात की, दो दिन में बोल दिया दैट आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी तुम्हारे बिना, ऐसा वैसा कुछ है ना कि एक देखो रियलिटी पता क्या है, वैसे हो भी सकता, देखो एक पहली नज़र में प्यार, मैं ये नहीं बोलती होता नहीं है, हो सकता है, बट वो अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन जो रियल प्यार होता है, जो रियल फीलिंग्स होती हैं, वो आपको है ना, अगर आपका कोई नेचर को जान के भी आपके साथ है बहुत लंबे टाइम से, अभी एकदम से डिसीजन मत लो, एक महीना रह गया आपके साथ कोई, दो महीना रह गया, पाँच महीना रह गया, एकदम से डिसीजन मत लो, छः महीना रह गया कि हाँ सामने वाला मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, सामने वाला मेरे लिए ये कर सकता है, वो कर सकता है या कर सकती है, बिल्कुल डिसीजन मत लीजिए। अराउंड एक साल या फिर 8 या 9 महीने सामने वाले को एक समझिए, ठीक है, उसको जानिए, उसको परखिए कि क्या ये मेरे लिए सही है, अगर आपको पास्ट में धोखे मिले हैं तो, और अगर आपका जवाब फिर हाँ आता है ना, तो आप उस पर्सन को चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। सो बेसिकली आपके लिए कोई लॉयल पर्सन आ रहा है, आपको ना पता लग जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये सामने वाला है ना सच में मेरे लिए एफर्ट्स कर रहा है यार, सच में मेरे लिए टाइम निकाल रहा है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक एक्सपीरियंस की तौर पे कह लीजिए, या फिर मैं बहुत सारी टैरो रीडिंग्स करती हूँ तो उनके तौर पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू डियर, मैं तो आपको बस एक गाइड का काम कर सकती हूँ आपकी लाइफ में, और सब कुछ तो आप पे ही डिपेंड करता है ना। नाउ लेट्स सी,
कि नेम इनिशियल क्या रहेंगे सामने वाले पर्सन के। देखो आपके है ना पास्ट में अच्छी रिलेशनशिप कभी नहीं गई, ठीक है, लेकिन हाँ फ्यूचर की जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत स्टेबल है एम्परर के कार्ड के साथ, ठीक है, एंड लवर्स के कार्ड के साथ और एट ऑफ पेंटिकल के कार्ड के साथ, ठीक है। ये रॉक से हो सकते हैं, पी से नाम हो सकता है, कंट्री का भी नाम हो सकता है भाई, ये पीएच पीहू किसी का नाम हो सकता है, क्यू से नाम हो सकता है, ए से नाम हो सकता है, एस से नाम हो सकता है, आसी, जेड से नाम हो सकता है, डोंट नो क्या नाम बने, आप देख लेना दूसरी कंट्री अफ्रीका वगैरह के आसपास से हो सकता है, ई से नाम हो सकता है, विनय हो सकता है, ई टी ओके, के से नाम हो सकता है, ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है या कॉम्प्लेक्स ओके अदर कंट्री डेफिनेटली, वाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है, एल से इनका नाम हो सकता है ओके। नाउ लेट्स सी कि कब तक आएंगे, आप लोगों का ये क्वेश्चन रहता है हमेशा कि कब तक आएंगे वो पर्सन, सो हम देख लेते हैं कि कब तक आने वाले हैं। 6, 7, 8, 9, 10 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनकी हो सकती है, या फिर ये वो दिन है, ये तारीख है वो 11, 12, 13, 14, 15 ये वो डेट हो सकती है जब आप मिले, या फिर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आस्क टू गॉड, गॉड से पूछिए, वेरी सून बहुत जल्द आ सकते हैं आपकी लाइफ में ये पर्सन, जून जुलाई मे बी नेक्स्ट जुलाई 21, 22, 23, 24, 25, 3 weeks it's yours, ये आप ही का है। सो या दैट्स ऑल फॉर यू पैनल नंबर 1, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए देन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर ले सकते हैं, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, मेरी फैमिली खुशहाल होगी। सो या मे बी आपको स्पाइडरमैन पसंद है, आई डोंट नो वाई, लेकिन ये चीज़ मुझे एकदम से आई मेरे दिमाग में, या फिर आपको हॉलीवुड मूवीज़ बहुत पसंद हो, आई डोंट नो, ये एकदम से मेरे दिमाग में आया, ये इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है डियर सोल फैमिली, मे बी आपको क्रिस्टल्स बहुत पसंद हो, लाइक दिस क्रिस्टल्स ओके, ग्रीन एवेंट्रिन और रोज क्वार्ट्स, टाइगर आई या एमेथिस्ट, आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स या फिर क्रिस्टल्स के साथ वर्क करना पसंद हो, ऐसा हो सकता है, या फिर आपको उनकी ज्वेलरी बहुत पसंद हो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप पे कोई ना कोई डिवाइन पावर ज़रूर है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे साइकिक हो सकते हैं, सो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड या इफ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर कोई ना कोई डिवाइन पावर ज़रूर है डियर, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो आपको हर एक मुसीबत से बचाती है, और अगर आपको अभी तक अपना सोल पर्पस नहीं पता है देन प्लीज़ जानिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि जिस दिन आप अपना सोल पर्पस जान लोगे ना उस दिन आपकी राहों के जो ये कांटे हैं ना ये अपने आप हट जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए आपको अपना सोल पर्पस जानने की बहुत नीड है, आपको अपना सोल पर्पस जानने के लिए बोला जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप गाइडेंस लीजिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, किसी का नाम यहाँ पे जेड से हो सकता है, एन से हो सकता है, या एस से हो सकता है, या फिर उनकी लाइफ में जो है 5 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, आई डोंट नो 5 या 10। सो या अब मुझे नज़र आ रही है एक चीज़ कि यस आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने चक्रास पे वर्क कीजिए, आप अपने आप पे वर्क कीजिए, इन्जॉय एवरी मोमेंट। अगर आपकी लाइफ में दुख आ रहा है उसे भी फील करें, ठीक है, उसे लेकिन ये नहीं है कि उसे फील ही करते रहे, निकलना भी होता है भाई वहाँ से, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में खुशी है देन इन्जॉय इट, अगर आपको कुछ मिला है या फिर कुछ हुआ है अच्छा आपकी आपकी लाइफ में देन सेलिब्रेट इट, ओके। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हो गया ठीक है चलो अच्छी बात है हो गया ये काम बढ़िया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ में आपको कलर्स
या फिर आपके लाइफ, आप है ना बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले पर्सन है, बट कई दफ़ा आप बहुत जब सेंसिटिव होते हैं ना, सामने वाले को ना पता ही लग जाता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ बात है, ये पर्सन ऐसे चुप तो नहीं रहता। सो प्लीज एंजल्स मुझे बताएं, जो पायल नंबर 2 है, मे बी आप है ना खुद के साथ खुश हो, लेकिन फिर भी हर एक को तो चाहिए ना कोई जो उसका साथ दे, उसकी बातें सुने। और लड़कियों को तो ये रहता है लड़कियों को ये रहता है कि मेरी बक बक कोई सुन ले। हाँ अगर कोई ऐसा पर्सन जो कम बोलता है तो बात अलग है भाई, देखो। लेकिन लड़कियों को ये रहता है मेरी बक बक कोई सुने, मेरी बातों को कोई सुने, ठीक है, मेरे को गौर से कोई सुने, ऐसा रहता है, ठीक है। सो या प्लीज एंजल्स मुझे बताएं कि जो पायल नंबर 2 है सिंगल्स, उनके लिए क्या आ रहा है, कौन आ रहा है उनकी लाइफ में। पायल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं सिंगल्स, जो उनके लाइफ में क्या आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच एंजल्स, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू माय फैमिली। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, हर्मिट कार्ड इज हियर, एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। आप है ना स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को चुने, अगर आप है ना स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, टैरो रीडिंग आपको अच्छी लगती है, सीख लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है ना सीख लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ मेरे ऊपर ब्लेसिंग है गॉड की, उन्होंने मुझे खुद टैरो सिखाया है। थैंक्स टू गॉड की, यस। पिछले, अगर आपको बिलीव है ना कि हाँ भाई पास्ट लाइफ होती है, आई बिलीव, ठीक है, मुझे बिलीव है, बिकॉज मैं टैरो रीडर थी पास्ट लाइफ में, ठीक है। मैंने ये चीज़ खुद देखी है, अपने ड्रीम्स में मैं हमेशा टैरो को देखती थी, हमेशा, ठीक है। मेरे को है ना ऐसी साइकिक वाइब्स आती थी कि हाँ भाई मुझे ये वाली चीज़ आती है, मुझे ये चीज़ आती है। एंड डेफिनेटली नाउ आई एम अ टैरो रीडर, आज मैं एक टैरो रीडर हूँ, एंड आई एम प्राउड माई सेल्फ कि हाँ मैं एक टैरो रीडर हूँ, और मैं लोगों को गाइड कर पाती हूँ, कि लोगों को हेल्प हो पाती है, और वो कहते हैं मुझे आके, यस आपने जो बोला था ना वो एकदम एक्यूरेट हुआ, एकदम एक्यूरेट हुआ। अभी मैं सारे बताने लगी ना बातें तो आज रीडिंग नहीं होने वाली है, चलो। ओके इज क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज एंजल, ओके सॉरी एंजल, सॉरी सॉरी सॉरी। प्लीज एंजल्स मुझे ये बताएं, ये जो टैरो है ना, ये मेरी एंजल्स का, गॉड का ही करिश्मा है जो आज मैं कर पा रही हूँ। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं कि पैन नंबर 2 के लिए जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है लव लाइफ में। अरे बाबा इतने थोड़ी आने हैं, जल्दी हो जाओ। ओके सेवन ऑफ कप्स, चैरियट कार्ड इज हियर, फाइव ऑफ वॉन्स कार्ड इज हियर, एंड द वर्ल्ड कार्ड इज हियर, एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इज हियर। ओके मेरी बात सुने गौर से, पायल नंबर 1 भी देख सकते हैं अगर आपको आया था वो समझ, या फिर आपको अट्रैक्शन हुई थी उस कार्ड से, ठीक है। मे बी आपकी स्पिरिचुअलिटी की लाइफ आपने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं इंडिया, एंड यस आप महादेव के भगत हो सकते हैं बहुत बड़े, ऐसा मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, या राम जी के, अभी मुझे क्या नज़र आ रही है। आप किसी और कल्चर के भी हो सकते हैं, किसी और धर्म से भी हो सकते हैं, किसी और रिलीजन से हो सकते हैं। सो या आप है ना अपने जो
जिन्हें आप पूजते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, उनके और नज़दीक जा रहे हैं, एंड इट्स गुड। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है कि बहुत सारे आप अब है ना लड़ाई में बिलीव नहीं करते कि सामने वाले से लड़ो, आर्ग्यूमेंट करो। अब आप शांत रहना प्रेफर करते हो, आपको अच्छा लगता है शांत रहना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, सो बहुत जल्द क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत जल्द एक नेम फेम आपको मिलने वाला है कि आप बाहें फैला के गॉड को बोलोगे कि थैंक यू गॉड इतना प्यारा मुझे ब्लेसिंग देने के लिए, मेरी विश को पूरी करने के लिए। बहुत जल्द होने वाला है, विद इन 4 मंथ आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल होने वाला है। सो बी रेडी। हाँ, सो या वर्ल्ड कार्ड तो आप फेमस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ सकते हैं। वाओ, ओके, अब मेरी बात सुनिए कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में है ना कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो मे बी आपको ऑनलाइन मिले, जो आपको शायद आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मिले। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपके लिए स्टैंड लेगा। अगर पास्ट में कोई ऐसा पर्सन आपके साथ रहा है जिसने हमेशा आपको एक चॉइस के रूप में रखा है, सो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आप इम्पोर्टेंट होंगे, तो मतलब आप होंगे इम्पोर्टेंट उनके लिए। ठीक है, ऐसे मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आप है ना इन्जॉय भी करोगे जब आपको पता लगेगा कि सामने वाला, या फिर जब आपको आपका ब्रेकअप हुआ ना, देखो, या फिर आपका हंसना नहीं चाहिए मुझे वैसे, लेकिन हाँ मुझे पता बहुत पेन होता है। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ होगा कि कुछ टाइम आपके जो फ्रेंड्स हैं ना उन्होंने कहा होगा अरे जाने दे और आ जाएगा या आ जाएंगी, ठीक है क्यों टेंशन लेना, और आपने ना कुछ टाइम के बाद आपने दिल खोल दिया कि हाँ उसने धोखा दिया, कोई नहीं जाने दो उसको, अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। और आपने अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट किया, आपने अपने आप पे अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करना स्टार्ट किया, आपने दूसरों को लाइट दिखाना स्टार्ट किया, मीन्स दूसरों की लाइफ में एक लाइट का काम कर रहे हो आप, इट्स गुड फॉर यू। या फिर कीजिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे टैरो रीडर हो सकते हैं या फिर और साइकिक एबिलिटीज उनके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आने वाला है जहाँ पे आप है ना सामने वाले को बेशक थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स दे, लेकिन सामने वाला आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट अब आप अपनी पावर में हैं। सो आप किसी नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं मानेंगे, मतलब कोई ऐसा वैसा एरा गैरा वाला पर्सन आ जाए, कोई भी आ गया और आके बोले आई लव यू, ठीक है प्यार करता हूँ आपसे या करती हूँ, ठीक है ऐसे वाली चीज़ नहीं रहेगी। अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आपको ये पता है कि किसे कौन चाहिए मुझे, ठीक है ऐसी वाली एनर्जी है। अब आपके लिए देखना चाहूँगी, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ पैर नंबर 2 के लिए कौन आ रहा है। सो अभी आपकी लाइफ में है ना, अगर आएगा ना तो आएगा तो सोलमेट आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, आएगा तो सोलमेट ही आएगा आपकी लाइफ में सीधा। ठीक है, आपकी लाइफ में हमेशा ही रहा होगा कि थर्ड पर्सन इशू रहा होगा हमेशा। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हो, बहुत सारे नहीं, कुछ 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 से भी कुछ परसेंट लोग ठीक है वो हो सकते हैं मैरिड। ठीक है, देखो फिर से 8 of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स कार्ड इज हियर एंड आई एम हैप्पी फॉर यू कि पेज ऑफ कप्स है। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुन लीजिए आप। ठीक है, आपको कोई ऑनलाइन मिल सकता है, अगर आप मार्केटिंग वगैरह की जॉब करते हैं, आप कोई दूसरी कंट्री में आपकी जॉब है, या सामने वाला पर्सन दूसरी कंट्री से हो सकता है, दूसरी जॉब दूसरी कंट्री में जॉब करता हो, या फिर आपको मौका मिलने वाला है दूसरी कंट्री में जाने का, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो अपने पास्ट से, लेकिन मैं वहाँ से आपको बोलूँगी कि वहाँ से मूव ऑन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज़ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन जो पास्ट है, अगर आप यहाँ पे वेट कर रहे हो किसी पास्ट पर्सन का, थोड़ा सा वेट कर रहे हो, तो ऐसे चांस हैं कि कुछ परसेंट चांस है 20% कि वो कॉल करे,
मैसेज करें। अदरवाइज आपके लिए जो आ रहा है वो बेस्ट है, मैं यही बोलूँगी आपको, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, ठीक है। अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए, ठीक है। फ्यूचर आपका बेहतर है, आपके लिए आपका सोलमेट आने वाला है बहुत जल्द, विद इन ऐसा हो सकता है कि 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। एंड आपको बस थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ ये जो सिचुएशन है ना, जो पास्ट में हुआ, उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और आपको अपना जो है ना, ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है ऑनलाइन मिले आपको, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है, आपको बस अपने आप पे वर्क कीजिए। आप यहाँ पे 8 of Wands 2 बार आया है, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली आपका कोई ना कोई कनेक्शन रहेगा, ये दूसरी कंट्री से भी हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाले, बहुत ज़्यादा आपसे इसमें छोटे भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाले ये पर्सन, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैं है ना एकदम कन्फ्यूज़ हो गई थी कि बाबा अरे आपकी लाइफ में तो कोई आ ही नहीं रहा है, मतलब आ रहा था जैसे, हाँ भी कोई आएगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा लेट आएगा, या फिर आपको वेट करते बहुत लंबा टाइम हो गया आइडिया। अब मेरी बात सुनिए, 888 कितनी बार है, 3 बार है, 888 की है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। ये पहले बात तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है। अब मेरी बात दूसरी सुनिए, 88 पोर्टल आने वाला है, ठीक है। एक तो उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, और एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनिए, वो ये कि आप है ना किसी को दान दीजिए, किसी को दान दीजिए, किसी की हेल्प करें, ठीक है। आप किसी को शूज़ भी गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी को दान दे सकते हैं, ठीक है। आपकी परीक्षा ली जा रही थी, बहुत जल्द खत्म होने वाली है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कोई ऐसा पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में जो बेहद प्यार करेगा, सोलमेट हो सकता है आपका, ठीक है। आपको बस अपने पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को हील करते रहें, अपने आप पे वर्क करते रहें, स्पिरिचुअलिटी के साथ चलते रहें। नाउ लेट्स सी कि क्या उनके नेम इनिशियल हैं, बहुत लंबी रीडिंग होगी ना आज। ये पर्सन है ना बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए सीरियस रहेगा, वी से नाम हो सकता है, क्या उसे जी से शॉर्ट हाइट हो, सामने वाले की हो सकती है भाई, एस से हो सकता है, ए से हो सकता है, एम से हो सकता है नाम, यू से हो सकता है इनका नाम, आर से इनका नाम हो सकता है, यूक्रेन, ओ माय गॉड, यूक्रेन भाई, नहीं नहीं यूक्रेन में तो बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहे भाई, बात हो हम जे से डीजे, म्यूजिक से कोई कनेक्शन, जैसा कि मैंने बोला जे एन, ऑस्ट्रेलिया, ओ माय गॉड, दूसरी कंट्री से हो सकते हैं, जापान से हो सकते हैं, यस, एंड या ओ से इनका नाम हो सकता है बाबा, वाई से इनका नाम हो सकता है, बस ठीक है। नाउ लेट्स सी कि कब तक आएंगे आपकी लाइफ में, वैसे तो मैंने टाइम बता ही दिया है, फिर भी देख लेते हैं प्लीज़ कब तक आएंगे मेरे व्यूवर्स की लाइफ में एंजल्स, ये पर्सन। ओके, ये डेट्स हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, नो, शायद अगर आप पूछ रहे थे कि क्या मेरा पास्ट वाले पर्सन के साथ कोई चांस है, कॉल आएगा नहीं आएगा, सो शायद नो। डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, आफ्टर 7 मंथ, देखा वहीं 6 7 11 12 13 14, वेरी सून, बहुत जल्द आने वाले हैं। Not the right time, अभी right time नहीं है, collective reading है तो बहुत mixed messages आ रहे हैं, ठीक है, 2 weeks 9 months। So yeah, that's all for you, pile number 2. I hope you like the video, enjoy the video. अगर आपको video पसंद आई है like कीजिएगा, comment कीजिएगा, subscribe my channel if you are new here, bell icon को press कर दीजिए। If you want your personal reading तो आप मुझे DM कर सकते हैं WhatsApp पे। Love you all, bye, take care.